तेरा नेहा के साथ क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? वो आई थी यहाँ, क्या बोली? बात नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड गुशी शी इज वेरी डियर, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इज दैट एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स। सच में यार, आजकल तो जब भी वो मुँह खोलती है, मन करता है मुँह में कुछ ठूस दूँ। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसा रिलेशनशिप, काय की खुशियाँ। रिलेशनशिप का मतलब होता है एंटर इनटू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इट, उसकी खुशियाँ, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। सीरियसली यार, इन लड़कियों को कोई कुछ नहीं कर सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। अब तू बैटमैन वाली कोई देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं था तुम तो कुछ नहीं करते, तुम तो नकारा हो, नपुंसक हो, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? बेचारा जब बैटमैन बन गया, हो तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो नॉर्मल पर्सन चाहिए था, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? सब साला कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, कहानी खत्म। उसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। लड़के ने 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तुम तो ज़्यादा चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। अली शॉपिंग खत्म नहीं होती, पहले कुशन्स आए, फिर कर्टेंस आए, फिर कुशन्स कर्टेन के साथ मैच नहीं करे, फिर और कुशन्स आए। साला मग इतने हैं मेरे यहाँ कि उन्हें बेचने जाऊँ तो महीने का खर्चा निकल जाए। एक तो जो चीज़ लेने जाएंगी वो चीज़ कभी लेने नहीं आएंगी।